अभी हम देखेंगे वेक्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेक्टर एडिशन ओबेज द कमुटेटिव लॉ, के वेक्टर का जो एडिशन होता है वो कमुटेटिव लॉ को ओबे करता है। क्या होता है कमुटेटिव लॉ वो देखेंगे कि जैसा एक आपको एक वेक्टर ए गिवन है इस तरीके से, राइट, एंड वेक्टर बी गिवन है इस तरीके से, ये हो गया बी, ये हो गया ए, आप इसको इस तरीके से लिखते थे हमेशा ए बी, अगर पैरेललोग्राम में देखें तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और रिजल्टेंट आपका यहां से कहीं से निकलेगा इस तरीके से, ये आएगा आपका रिजल्टेंट आर, राइट। तो यहां पर क्या कहता है कम्यूटेटिव लॉ कि जो आर होता है, जो आपने ए प्लस बी किया इक्वल्स टू आर आ गया, राइट, उसी तरीके से बी प्लस ए करने पर भी आर ही आता है, ये कहता है कम्यूटेटिव लॉ। यानी a प्लस बी भी आर ही है वेक्टर्स का एंड b प्लस ए भी आर होगा। अभी हम बताते हैं ग्राफिकली कैसे पॉसिबल है। यहां पर देखिए, यहां पर हम करके देखते हैं इसका a प्लस बी करके देखते हैं, ये a है देन ये b है, ये b है, तो a प्लस बी ये आ गया r, ये भी r है, देन ये b है और ये ए है, राइट। हमने क्या किया है, ए को इधर बनाया, बी को सेम, उसका एंगल सेम है, देख लीजिए, ये बी, ये बी, ये ए, ये ए, सेम बनाया। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, शिफ्ट करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये ए जो है थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ के किधर हो जाएगा, ये इस तरीके से जो पहले ऐसा था ये और आगे बढ़ के ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं मैं ए को, है ना, ये बन गया ए, वेक्टर ए। और बी क्या है, बी जैसा का वैसा ही रहेगा, इस पॉइंट पर बी जैसा का वैसा ही रहेगा, है ना। बस मैंने क्या किया है, जो मेरा पोजीशन था, पहले मेरा पोजीशन था ए का यहाँ पे, है ना, ये पोजीशन था, मैंने उसको एक्सटेंड करके यहाँ बना दिया। अब देखिए ये हो गया ऐसा एक के बाद एक, है ना, सिक्वेंस में ऐसा जाके ऐसा, तो ये वाली जो लेंथ होगी स्टार्टिंग टू एंड ये कहलाएंगे रिजल्टेंट। तो देखिए अभी रिजल्टेंट यहाँ पर भी आपको तकरीबन ऐसा ही मिला था, है ना, ये रिजल्टेंट मिला था आपको, और यहां पर भी रिजल्टेंट आपको वैसा ही मिलेगा, बस ट्रायंगल अलग बना है, इनवर्स बना है, ठीक है, लेकिन रिजल्टेंट दोनों का आपका सेम ही आएगा। देखिए डायरेक्शन, एंगल, मैग्नीट्यूड, हर एक चीज रिजल्टेंट की दोनों में सेम आएंगी। तो अभी प्रूफ हो गया यहां से, हमने जो अभी सॉल्व किया है कि ए प्लस बी इक्वल टू आर एंड बी प्लस ए इक्वल टू बी आर होता है। अब देखते हैं वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, ये क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर कर दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी कर दिया उसमें, तो ये दोनों इक्वल क्वांटिटी है। देखिए बी प्लस सी ये है और यहां पर ये ए प्लस बी है, तो मैंने क्या किया, ए को बी प्लस सी में ऐड कर दिया या ए प्लस बी को सी में ऐड कर दिया, तो बोथ आर द सेम थिंग, ये होता है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, अभी हम देखते हैं कि तीन वेक्टर्स है, ये एक ए वेक्टर हो गया, राइट, ये बी वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया एंड ये सी वेक्टर हो गया, देन ये तीन वेक्टर्स मुझे गिवन है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा तीनों का एडिशन करने पे, सिंपल एडिशन, ये होगा रिजल्टेंट आर। तो ये क्या बोल रहा है, ए, ये ए है, तो बी प्लस सी पहले निकाल लो, अगर मैं बी प्लस सी निकालता हूं तो यहां से यहां तक के ये होगा बी प्लस सी, ये कहलाएगा आपका बी प्लस सी वेक्टर, है ना, देखिए स्टार्टिंग टू एंड से बी प्लस सी निकाला है, तो ये क्या होगा बी प्लस सी। उसी तरीके से अगर मैं निकालता हूं ए प्लस बी निकालता हूं, देखिए ये ए है और ये बी है, तो स्टार्टिंग से एंड पॉइंट ये वाला जो कहलाएगा मेरा ए प्लस बी कहलाएगा, तो ये वेक्टर हो जाएगा ए प्लस बी, राइट। तो अगर मैं इसको सेपरेटली ड्रॉ करता हूं, ये ए प्लस बी ले लेता हूं मैं, पहले ऐसे ले लिया मैंने ए प्लस बी, तकरीबन ऐसा ही है एंगल इसका, ए प्लस बी ले लिया, ये वाला ए प्लस बी ले लिया एंड उसमें मैंने ऐड कर दिया सी, उसमें मैंने ऐड कर दिया सी, तो मेरा रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा रिजल्टेंट, उतने ही आ रहा है, वैसा ही डायरेक्शन, वैसा ही मैग्नेट, सारी चीजें वैसी आ रही है, सिर्फ शिफ्टिंग लग रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये होगा मेरा वेक्टर आर, राइट। देन अभी देखते हैं हम, मैं ले लेता हूं बी प्लस सी को, बी प्लस सी कैसे गिवन है मुझे, ऐसे कुछ गिवन है बी प्लस सी, और उसके अंदर मैं इस ए को ऐड कर देता हूं, यहां पर आ जाएगा मेरा ए, राइट। तो
ए में क्या हो रहा है, प्लस बी प्लस सी हो रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा। तो यहां पर भी रिजल्टेंट सेम ही आएगा, जैसा ये आया था बिल्कुल वैसे ही आएगा, राइट। तो क्या हो रहा है कि हमने जब ए प्लस बी प्लस सी किया तो भी रिजल्टेंट यही, हमने जब ए प्लस बी सी किया तो भी रिजल्टेंट यही होगा। ड्रॉ कर लीजिए, ये होता है वेक्टर्स एडिशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव है वेक्टर एडिशन। अभी हम देखेंगे अगले लेक्चर में इसके आगे के और न्यूमेरिकल्स लेंगे, कुछ और चीज़ें अच्छी अच्छी पढ़ेंगे इसमें, और कॉन्सेप्ट को और अच्छे से जानेंगे। थैंक यू।